गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है कि कहाँ जाऊँगा मैं। बैग में कपड़े भी रख लिए हैं, परेशान सा हो रहा था। सुबह 4 बजे का प्लान था कि निकल जाऊँ, लेकिन निकल नहीं पाया। अभी 7 बज रहा होगा, 7:02 हो रहे हैं, निकल पड़ा हूँ। देखते हैं क्या रहता है। शनिवार का दिन है आज, मंडे सुबह तक का टाइम है मेरे पास घूम के वापस आने तक का, और लेट्स सी कहाँ तक जा पाते हैं, क्या होता है सीन। ठीक है, नोएडा सेक्टर 62 है और यहाँ से निकल रहे हैं। यार धूप सी लग रही है, पता नहीं क्या मौसम, लेकिन अभी तो ठीक है, शायद धूप नहीं आई है पूरी अच्छी तरह, तो अच्छा है मौसम। सुबह से लग रहा था जल्दी निकल जाते तो अच्छा हो जाता था, क्योंकि वही सुबह का जो मौसम होता है उसमें मज़ा आता ड्राइव करने में, बट नहीं हो पाया। लेट्स सी, अभी तक भी कोई प्लान नहीं है कि कहाँ जाएँ। लेट्स सी, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेरे राइट में, और उसके नीचे से हम निकल रहे हैं। ये अंडर पास बन गया, फिर भी जाम लगा रहता, पहले तो बहुत बुरा लग रहा था, अब थोड़ा ठीक हो गया अंडर पास की वजह से ना। ये गाजियाबाद में जो रैपिड मेट्रो स्टेशन है ना, वो है गाजियाबाद का, उसी से होते हुए हम उसी रोड से जा रहे हैं आगे। ये रूट तो हरिद्वार वाला पकड़ लिया मैंने, लेट्स सी क्या रहता है। रैपिड मेट्रो के स्टेशन का नाम है गुलधर, कपिल भाई के हमारे मित्र वो रहते हैं यहाँ। मैच खेलने भी आए थे एक बार, यहाँ क्रिकेट मैच खेलने आए थे ग्राउंड में आके से। यहाँ पे बहुत सारे ग्राउंड हैं एक्चुअली, वहाँ कहीं आए थे हम। ये दुहाई स्टेशन अच्छा लग रहा है, शायद यहीं तक मेट्रो आई है या फिर इससे आगे है, देखते हैं। यहाँ पे शायद वो बनाया था ना रोकने का मेट्रो का। ये मुरादनगर स्टेशन रैपिड मेट्रो का, और मिली ठंडी सी सड़क ही मुरादनगर से लेफ्ट को जाते हैं ना, यहाँ पे अच्छी लग रही है सड़क, दोनों साइड पेड़ हैं, ठंडी ठंडी हवा आ रही है। बगल में नहर है शायद, यहाँ पे इसको छोटा हरिद्वार भी शायद बोलते हैं, वहाँ पे लोग नहा भी देते। रोड बहुत शानदार लग रही है, इस रोड से बहुत लंबे टाइम से आया नहीं एक्चुअली, एक बार उससे चले गया था मेन हाईवे से, तब पता नहीं था कि वहाँ टू व्हीलर अलाउ नहीं है, जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे बना हुआ ना उससे गलती से उससे चले गया था, पता नहीं था। अब तो है कि वहाँ अलाउ ही नहीं है टू व्हीलर थ्री व्हीलर रहना। सिंगल रोड भी क्योंकि अच्छी लगती है, कितनी प्यारी लग रही है रोड। ऐसी हल्द्वानी जब जाते हैं उदयपुर से उस वक्त भी आते हैं, लेकिन वहाँ बड़े बड़े से पेड़ हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ हैं, छाया हो रही बढ़िया से, बहुत अच्छा लग रहा है। गजब दिल्ली के पास भी ऐसा एरिया हो सकता है, पता ही नहीं है दिल्ली कितना किलोमीटर हुआ, 35-40 किलोमीटर आगे, इतना प्यारा एरिया भाई साहब। गजब कहीं हरिद्वार की रूट में हूँ, अभी बीच में एक ब्रेक ले लिया था, यहाँ पे थोड़ा सा थकान से लग रही, रिफ्रेशमेंट ब्रेक, पानी वानी पी लिया। बहुत सारे यहाँ पे बांस के बैम्बू बोलते हैं इसको, बांस के पेड़ थे, यहाँ पे रोके थे वाहन, और हल्का सा ब्रेक ले लिया, थकान भी लग रही थी। चलते हैं आगे को और दिखाते हैं आपको क्या रहा। इसने वेलकम गेट बना रखा है, नेचुरल वेलकम गेट है। रोड कैसी हो रही है यहाँ पे, ये इस रोड से शायद मैं बहुत लंबे टाइम बता रहा हूँ, कहीं पे अच्छी है कहीं पे खराब है, अभी फिर से अच्छी आ गई है ना, लग रहा है गेट आई हाई। इस रोड पे खूब सारे बंदर हो रहे हैं, डर लगता है कहीं क्रॉस ना करे फिर बचाने के चक्कर में, रहते ना ये डर। इस तरह के पेड़ बड़े अच्छे लगते हैं, होम डेकोरेशन या फिर इस तरह के घर के आगे भी लगा रहते हैं इस तरह के, पता नहीं क्या नाम बोलते हैं इनको, आपको बताओ तो बताएं हमें। ऐसा बड़े अच्छे लगे लेकिन जब ओके ऊपर ट्रेन के शायद ये पुल बने हुए दो। आज जैसा लग रहा पूरा गांव वाली फीलिंग आ रही, पूरे टाइम जैसे गाजियाबाद से निकले थे हम, क्रॉस किया था हमने दिल्ली से गाजियाबाद तक, तो ठीक हो गया। उसके गाजियाबाद के बाद जो वो आए ना जो रूट, पूरा ऐसा लग रहा है बस गांव से होते हुए जा रहे हैं आराम से, दोनों साइड पेड़ बीच में यहाँ पे किनारे में है जो आ रही है हरिद्वार से, है ना भाई साहब। कितने आराम से बैठे हैं, आराम से टेंट वेंट का सामान सर कहीं जा रहा हुआ, आराम से सोए हैं गद्दों के ऊपर। बहुत शानदार रोड मिली यार आज, सीरियसली हाईवे होते हैं हाईवे बहुत, दोनों साइड पेड़ मज़ा ही आ रहा है इस रोड में चलने में, सीरियसली व्यू देखो व्यू भाई भाई साहब। सर खाने का मिल रहा, देखते हैं क्या है इसके पास। शानदार सी लोकेशन में कहीं रुके थे, इधर साइड भी रोड है यहाँ भी रोड है, और ये है नहर आ रही है
गंगा किनारे हरिद्वार से मैडम वहाँ बैठ के आराम ले रही। यहाँ हमने थोड़ा बहुत नए छोले कुलचे बनाए थे। पेड़ कितना बड़ा भाई साहब, ये बहुत बड़ा, 2.5 साल पुराना तो होगा कम से कम। दोनों साइड रोड है, इधर साइड आने वाली है, इधर साइड आनी है, बहुत शानदार सी रोड। चलते हैं आगे, आराम भी हो गया, थोड़ा ब्रेक भी हो गया, चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको, ठीक है। दोनों साइड बैम्बू के पेड़ हैं, बांस के, दोनों साइड रोड के। अरे कितने सारे ट्रक में भरे पड़े हैं, ये मेला वेला है या पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा। पूरे रास्ते पर शानदार रोड मिली है। अब थोड़ी सी गर्मी लगने लगी है, सुबह से धूप नहीं, बादल से लगे थे, अभी धूप आने लगी तो थोड़ा गर्म सा हो रहा है, भूखा पड़ा है पूरा। लग चुका है अपना उत्तराखंड, यहाँ से गजब है, मुझे उत्तराखंड में आने के भाई साहब पहले चले तो मेन रोड में आ गए, फाइनली एक टोल प्लाजा देना है, पूरे रास्ते पर आना है। मैं पहाड़ी क्षेत्र आ चुका है, हर जगह की तरह अभी लंबा जाम अच्छा खासा। देहरादून 21 मसूरी 54 चक्कर आता 106 किलोमीटर। भाई साहब ये हाल है, देख रहे हैं देहरादून टू दिल्ली ना नई रोड बन रही है एक ऊपर, उसके वजह से काम भी चल रहे हैं शायद, उस वजह से भी थोड़ा बहुत जाम लग रहा है। भाई साहब रोड जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन अभी बहुत बुरा हाल है, काम चल रहा है खूब सारा, पूरा लोग गाड़ियों नीचे उसके रोड नदी के रास्ते भी गाड़ियाँ निकाल रहे हैं। पहाड़ों में ड्राइविंग की फीलिंग ही अलग होती है भाई साहब, मज़ा ही आ जाता है। देहरादून 13 किलोमीटर मसूरी 47 किलोमीटर, एक टनल ये बन गई, एक वो है ये पुरानी वाली हो गई, ये नहीं बन गई एक खतरनाक। टनल के बाद थोड़ी रोड अच्छी मिल रही है, मतलब जो नई बन रही थी शायद वो यहाँ कंप्लीट हो चुकी है, तो उसमें ट्रैफिक लिया है ज़रा, तो सर्वे वाली टीम ने किया होगा अपने हिसाब से, तो कहीं पे ले लिया कहीं पे गाड़ी को वहाँ जान दे रहे, जैसे ये अभी नहीं नहीं बन रही है ना ऊपर साइड वाली, वे अलाउ नहीं किया नीचे वाले में। खैर इतना भी अगर हो जाए ऐसे तो पहाड़ों में बहुत है। साफ पेड़ कैसे लग रहे हैं रोड के ऊपर, बड़े बड़े से हरे भरे, यहाँ बारिश हो रही है शायद। उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है, थैंक यू सो मच। ट्रैफिक गिरा यहाँ भी है भैया, हमें पता ही नहीं था, गुंडल में भी है ट्रैफिक गिरा। हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल भैया भैया ट्रैफिक गिरा कॉलेज हॉस्पिटल क्या क्या है। देहरादून में खूब गर्मी है, अब ऊपर देखते हैं यहाँ कैसा रहता है। ऐसा आप कहीं भी जाओ हर हाल है, जाम 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 जाम। अभी मुझे जयपुर की तर्ज पर ये शॉपों के नाम दिख रहे हैं, देखो सब क्या लग रहा है, नाम लिखे हुए उसी तर्ज पे, ये मैक्सिमम जगह यही कर रखा है देहरादून में। पेंटिंग बड़ी अच्छी की है देहरादून में, शानदार सी बिल्डिंग दोनों साइड दीवारों में, बंदर जंगली जानवर ये सब बना रखे। लेकिन अब मौसम सही हो गया देहरादून से, जब ऊपर निकल रहे हैं ना देहरादून ऑलमोस्ट क्रॉस कर दिया हमने मसूरी के होकर निकलने, मज़ा आ गया यार पेंटिंग में तो भाई साहब, पेड़ से जा रखे हैं और कैसे लगे ले? पेड़ पूरे रोड पूरी दोनों साइड के पेड़ों से लगे हुए चल पड़े हैं देहरादून से मसूरी की ओर। बारिश की पूरी आसार लग रहे हैं और घास भी था अच्छी, कहाँ तक पहुँचते हैं बारिश फंस ना जाए रास्ते में, बस पहुँच जाए उसके बाद चल जाएगा, है ना। यहाँ की जो फीलिंग है ना वही जब हल्द्वानी से हम नैनीताल को जाते हैं ना वही वाली लगती है। रोड बाबू ये यहाँ ओवरटेक नहीं कर सकते, ये मोड़ है ऊपर से गाड़ी आने लगातार आई है, इधर साइड की रुकी हुई है। ओ भगवान, पिछली बार बारिश में जब आया था ना बारिश में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था इस मंदिर को भी यार, अच्छा खासा नुकसान हो गया था उस दिन, भगवान सबका भला करना। श्री प्रकाशवीर महादेव शिव मंदिर मसूरी रोड दे रहा हूँ, जय हो भगवान सबका भला करना, सब खुश रहें जीवन में। और सब जंगल में ऐसे ऐसे रिजॉर्ट बना रखे रेस्टोरेंट ने भाई साहब, हैं नीम खड़े करके लोहे के वो खड़े करके कैसे बना रखे, ये देखिए खतरनाक भाई साहब। लाइन देखो भैया लाइन देखो, ऐसा देहरादून से मसूर तक ऐसे लाइन लगी बड़ी, पुल क्या बोलते हैं इसको, नगर पालिका का पैसा लगता है 15 रुपये बाइक से, जो बाहर की गाड़ियाँ आती हैं उत्तराखंड की जो गाड़ियाँ आती हैं उसमें नहीं लगता।
लोकेशन देखो भाई साहब, मज़ेदार, मज़ा आ गया। अभी बारिश नहीं आई, अगर बारिश आ जाए ना बहुत गजब गजब। दिख गया मसूर यहाँ से, दिख गया। और ये क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड हो रहा है। चलो ऊपर वाले का नाम लेके आराम तो कर रहे हैं, पुलिस वाले जाने दे रहे हैं। सीधे निकलना है, तेज सा निकलना पड़ेगा। बोलो गंगा मैया की जय। निकल लो निकल लो निकल लो, ये निकल लो निकल लो, जल्दी 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 भाई साहब। चलना यहाँ पे इसलिए शायद, निकाल लो यार निकाल लो जल्दी, इसी जगह रुकना सही नहीं। ओके काम चल रहा है ऊपर यार, वो भाई साहब यहाँ जाओ, लाइन 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 भाई साहब गजब। भट्टा फॉल ही है ना, भट्टा फॉल है, झूले हैं बड़े बड़े वहाँ पे। और फॉल वगैरह तो बहुत ज़्यादा कुछ लगा नहीं मुझे, लेकिन हाँ झूले वूले वगैरह और एक्टिविटी हैं, बहुत बड़े बड़े झूले हैं। मैं कैसे धन कंबल लगा के, क्या बोलते हैं कॉल, क्या बोलते हैं इनको, बीच बैठने के रहते ना कालीन टाइप का बैठने का। मसूरी 2-3 किलोमीटर रह गया, लेकिन बारिश भयंकर, मतलब भयंकर क्या लगी गई है ऑलमोस्ट, तो रुकना ही पड़ेगा मुझे लगता है कहीं ना कहीं। बड़ी अच्छी पार्किंग बनाई है यहाँ पे मसूरी में, जगह तो है नहीं बट ऐसी जुगाड़ बना के, नीचे रोड है और रोड में ऊपर से फिर पार्किंग बनाई, मल्टी लेवल पार्किंग और नीचे उसी के नीचे रोड है। ये भैया मसूरी अभी चढ़ाई है हमने, ऊपर चढ़ाई में एकदम है, तो देखते हैं। ये घंटा करके आसपास जाना है मुझे, एकदम चढ़ाई है वहाँ के लिए। लोकेशन देखो भाई, लोकेशन लोकेशन देखो, लोकेशन भाई साहब, यहाँ से व्यू देखो कितना प्यारा लगता है। और सब हर जगह जाम, हर जगह जाम, बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे जगह मिलती है तो फोटो वगैरह लेते हैं, सनसेट की बहुत प्यारी सी आ रही है। लेट्स सी रमाडा भाई वादमन। ओके खतरनाक, अभी बादल से लगे हुए हैं वैसे तो। यहाँ जहाँ गाड़ियाँ अलाउ थी वहाँ क्या बोलते हैं गाड़ियाँ थी खूब सारी, और यहाँ भीड़ अलाउ है तो माल रोड है ये मसूरी का, मैं मनाली बोल रहा हूँ, और यहाँ भीड़ है जम के भर भर के। भीड़ देखो भैया भीड़, यहाँ से रोप वे भी है पर गन्ने निकले, गन्ने निकले टिफिन टॉप सॉरी। यहाँ पर से मसूरी के जो राज्य आंदोलनकारी जो थे उनके स्मृति में यहाँ पे मकान टाइप का बना रखा है इस तरह का, वो यहाँ पे लोग पिक्चर वगैरह खींच जा रहे हैं। बस माल रोड में ही आपको मिल जाएगी। ऐसा कुछ शाम का नज़ारा है मसूरी का, लाइटिंग वगैरह जो कहीं नीचे देहरादून कहीं दिख रहा है, चंदावा में दिख रहे हैं, ऐसा कुछ है। एक एक कोना है इसका मसूरी का, एक कोना माल रोड मसूरी में लाइब्रेरी वाला जो एरिया है, किनारे वाला चौक, ऐसा हाल है। यहाँ पे भीड़ से बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है।